राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं हूँ भाई मुखर्जी नगर बत्रा पे, जो कि भाई जवान लोग घूमता रहा आड़े, यूथ भाई बहुत गणे यूथ और एनर्जी बहुत है इनमें। तो ये कुछ भाई साथ पी लाग रहे थे, मैंने इनता बात करी फिर। गम बताओ भाई पहले। मेरा विवेक नाम है। गम मेरा राजस्थान से हूँ, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान वाला भाई। तेरा भाई? हरियाणा से भाई, हिसार से। यश नाम है मेरा। यश भाई टोपी वाले। गौरव भाई। गम आथरस वेस्ट यूपी। जबरदस्त भाई। चलो भाई अपने हरियाणा वाले तो शुरू करेंगे भाई। तो जो भाई अपना के नाम विवेक भाई। यस यस भाई अपना। यस भाई कितने दिन हो गए तना आड़े भाई? अब डेढ़ से दो साल हो गए। डेढ़ दो साल हो गए भाई। कित के कोचिंग लिए हुआ भाई? दृष्टि आईएएस जो यूपीएससी का है। दृष्टि आईएएस भाई विकास दिव्य कीर्ति सर ने तो मैं भी सुनूँ। जबरदस्त सुलझे हुए आदमी लागे भाई, उनकी बात आ रहा है। तो आड़ा मन ने सुनिए भाई के मतलब कोचिंग के नाम पर ठगी सी चल रही है, बोले आड़ा बालका ने पकड़ लिए हैं। हाँ भाई ज़्यादा कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग है जो थोड़ी सी बच्चन है इस तरह से जो बढ़ाओ है। अच्छा। और ऐसा क्यों है कि भाई सिलेक्शन की गारंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। कोई भी कोचिंग हुई सिलेक्शन गारंटी कोई नहीं। आज जो कंपटीशन का है उसमें नौकरियां कम है, बच्चे ज़्यादा। सीधी बात, तुम यूपीएससी की करो। यूपीएससी की तैयारी। हाँ मतलब दृष्टि है एक दो और है ना? हाँ दृष्टि है, संस्कृति आई है, विजन भी है दृष्टि, क्योंकि ज़्यादा आजकल विकास दिव्य कीर्ति सर के उस तरफ ज़्यादा वो हो रहा है। तो उड़े किसी भाई पढ़ाई माहौल किसा उड़े है? पढ़ाई बढ़िया है, टीचर भी बढ़िया है, बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब अच्छी फैकल्टी है उनकी। मैं बच्चे ने कहूँगा कि भाई अगर आप कोचिंग अफोर्ड करते हो ठीक है, सेल्फ से भी तैयारी हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक में कोचिंग। हाँ कोचिंग लेनी जरूरी है। हाँ तो सेल्फ से भी आजकल यूट्यूब पे और है वैसे वीडियोज वगैरह काफ़ी है, लेकिन अगर कोचिंग लेना चाहो तो अच्छी कोचिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी कोचिंग मिल जाए। हाँ आजकल क्लासेस भी हाइब्रिड हो गई है कि भाई वो एक क्लास ऑनलाइन भी मिल सके आपने घर पर बैठे बैठे, वही यहाँ मिलेगी भाई। कल बच्चा तो सुनी थी मैं, जो अगर पूछू था बड़का था तो वह बोले भाई यार ठगी भी बहुत चल रही है, बोले बीच में बाजे हैं टीचर कहीं तय बैच के। हाँ भाई अड़े कई कोचिंग हैं ऐसी जो बीच में स्टार्ट हुए हैं, वो असल में वो क्या हुआ है कि वो टीचर ऐसे होते हैं जो एसएससी के होते हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कराने का दावा कर रहे हैं और फिर कम फीस के उसमें बच्चे एडमिशन ले लें और फिर बीच में वो कोर्स पूरा कराने के बजाय वो बच्चे चले जाओ। तो बच्चे ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक दो चार मतलब लोग सोर्स थे एक बार कंफर्म कर ले कि वह कोचिंग सही है कि नहीं है। चलो खाली ऐसा कम पैसे के चक्कर में अपने टाइम भी और पैसा भी उससे बर्बाद ना करो। ठीक है तुमने कुछ बेरा और इंस्टीट्यूट के बारे में मान ले, कोई मैथ का खातर आवे, इंग्लिश खातर आवे, कोई मैथ खातर आओ तो भाई साहब यह करियर व्हील है। करियर व्हील राकेश यादव सर वाली। हाँ इनका बहुत नाम सुनो भाई मैं। हाँ मेरे हिसाब से करियर व्हील बहुत अच्छा। चलो भाई धन्यवाद। और कोई इंग्लिश में हो? कोई इंग्लिश में हमने यानी मैं क्योंकि वैसे तो यूपीएससी की तैयारी करता हूँ तो मुझे एसएससी का आईडिया नहीं, लेकिन नीतू मैडम का नाम मैंने कही। हाँ मन ने भी सुना भाई नीतू मैडम का नाम। और भाई कोई और बेरा हो टीचर कोई याद है? हाँ अगर ऑप्शनल की बात करा हिस्ट्री वगैरह की तो यहाँ सर मणिकांत सर हैं द स्टडी में, उसके अलावा राजेश मिश्रा सर है सरस्वती आईएएस का, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ऑप्शनल के लिए यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। तुम फिर पीजी ले रहे हो, रूम ले रहे हो? हम भाई रूम में रहो। रूम में रहो। पीजी पुजी का क्या हिसाब है आस पास में बता के 500 मीटर एरिया में क्या रेट है भाई? यहाँ अगर सिंगल रूम ले होगा तो 7.5 से 8 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। अच्छा पीजी पीजी का ही रूम बता। अच्छा अच्छा 7.5-8 रेट चल रहे हैं। 7-8 रेट चल रहा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो रेट थोड़ा बढ़ गया है। चलो भाई ओके भाई बढ़िया जानकारी दी तू। और बता भाई। और भाई क्या बताऊँ इससे अलग कुछ बेरा होता है? इससे अलग यही बात है, मैं भी यही रह रहा हूं, साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं। अच्छा साथ में रहते हो सारी जो भाई ने बताया वही बात होती है कोचिंग में। बाकी सेल्फ से करो कोचिंग, उससे आके देखो या तो माहौल देखो फिर जाके कोचिंग ज्वाइन करो, आके तुरंत ज्वाइन मत करो, एक दो महीने आके रहो देखो आस पास का माहौल, लोगों से जानो, सीनियर हो कोई उससे पूछो, तो वो बेटर तरीका रहता है, सबसे अच्छा तरीका वही है। चलो बाकी आप चैनल के माध्यम से लोगों को बता ही रहे हो। हाँ मैं मतलब देखो मैंने थरता पूछी इसमें कोई प्रमोशन है कोई ना, बस मैंने देखना था भाई बच्चे क्या महसूस करे। जेन्युइन चैनल कौन सी, जेन्युइन बुक कौन सी, बुक के बारे में बता सको कोई बुक होता है? बुक किस मतलब किस प्रिपरेशन के लिए? अच्छा अलग अलग सिस्टम कोई। तुम यूपीएससी की ये बताओगे तुम? यूपीएससी के ही बता सकते हैं। यूपीएससी में कौन सी चल रहा है? यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स होती है जैसे लक्ष्मीकांत है, फिर मतलब कि हिस्ट्री की भी कुछ स्पेक्ट्रम है, तो ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी लिस्ट होती है। एसएससी के लिए है कुछ बुक वगैरह? एसएससी के बारे में भाई हमको जानकारी कम है। चलो भाई ओके भाई फिट, बहुत बढ़िया जानकारी दी भाइयों ने। तो भाई इन भाइयों ने बहुत बढ़िया जानकारी दे दी, एक तो हरियाणा का था भाई सार का, इन्हें बहुत बढ़िया बात बताई। तो भाई आप इससे नियत वीडियो बनावा है, बड़का एक कमेंट भी आए थे कल वाली वीडियो पे कि इंग्लिश के बारे में पूछ भाई, मैथ की कोचिंग लेनी है, कि जेन्युइन चीज़ बेरा लग गया भाई, मतलब माहौल किसका बन गया, जेन्युइन है ना वो तो ना बेरा, पर जो बालक बतावे हैं भाई साफ नियत जो भी महसूस कर रहे हैं बच्चे वो बतावा, जुगर भाई इन जो नाम लिए टीचर आ गए वो तुमने बेरा है भाई। ठीक है तो इससे नियत है भाई बता लाग रहा हूँ, बाकी और भाई के मदद हो है
बाकी कुछ और तुमने मेरे तक पूछना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लियो, कमेंट डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक पावेगा। और भाई थारी वीडियो वाडियो बनानी हो तो मिल लियो, मैसेज कर काट हूँ भाई। एक दो दिन बजे बाद फिजिकल चल रहे हैं, तो फिजिकल तो सी दाड़े आ गया था भाई मैं मुखर्जी नगर थोड़ा बहुत। चल बैक कैमरे का बत्रा का नज़ारा दिखा देता हूँ। लियो भाई वो बत्रा के आड़ चुगर सिस्टम चल रहा है भाई, जवान लो घूमे जा हवाई अड्डा पढ़ने ये बालक है बुक बाक। पर ये बैनर थोड़े कम हो जाने, ये पर बैनर कम हो जाएंगे तो फिर ये एकेडमी के ऊपर चल लेंगे। तो देखते हैं भाई, यो माहौल बना हुआ है दिखा दिया है इन भाई, बातचीत कर दी। यूपीएससी वाले बालक तो बहुत कम जुड़ रहे हैं मेरे तक, एसएससी के RHSC के जुड़ रहे हैं बालक भाई। ठीक दे नीतू मैडम का नाम लिए जा बालक के डी कैंपस, एक नाम नहीं भरोसा है भाई जो भी है। ठीक भाई, और यार तरन सर का भी नाम सुना है। चलो भाई इवली कटते हैं भाई, ग्राउंड में जाऊंगा लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में कुछ बच्चे मिलते रहो तब बातचीत करूँगा। ओके भाई, हो सारे भाइयों राम राम, काम चल रहा सुतरे खैच का करो भाई, वो करो जो जी करे है। ठीक है भाई, मंड का करो, इंटरेस्ट के साथ करो, मजे के साथ करो भाई। दुखी होगा कोई चीज़ करोगे ना तो बात घने दिन बनेगी नहीं, टक नहीं पाओगे तुम उस पर। तो इस बढ़िया है अपना जिसमें जी लग थोड़ी ही रुचि हो गुजारे लायक रुपया आता हो वो काम बहुत बढ़िया। ओके भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत रुपया आ रहा है, काम बढ़िया चल रहा है अपना। ओके भाई राम राम, काम चल रहा सुतरे सारे भाई आगे।